देख बे ना, अगर तू नहीं कह पाए तो ऐसा करिए कि जे धोती को पल्ला सर से हटा लिए हैं और जे माता बहने सिर खोल लेना है, उनके बाल खुले होए तो भैया अखिलेश ऐसी लगती है जैसे वास्तविक जिंदा खाई लेंगे, है ना। जवाब दिया देखिए, ऐसा करिए बाल खोल लिए सर से पल्ला हटा लेना और ऐसे बैठ जाइए आंसू लगाए के, और फिर कैसे कहिए, मैं हूं देवी चंड का धरे मुड़ पे और देख एक विशेष बात, तेरे घर पे कोई फटो टूटो खप्पड़ होए ना है, जो माता बहने वो क्या कहते हैं मट्ठा चलाती है मलरिया, हाँ अगर फटी टूटी हो तो वहां में थोड़ी सी आग जला के उस सिर पे रख लिए और फिर कहिए, मैं हूं देवी चंडिका हरे मुड़ पे हंडिका, मैं हूं देवी चंडिका हरे मुड़ पे हंडिका, कोई खाऊं तेरे बच्चन खाऊं तेरे कुठिये धन भूसी का जाऊं, जवाब दिया बीच बीच में जैसे भूतरा कत्तना है, कैसे कत्ते हैं भूतरा भैया, पैसे कर दिए, और जब तेरो पति तेरे पास में आवेगो, जब तुझे ड्रामा करेगी तो तेरा पति तेरे पास आएगा और बोलेगा कि क्या बात है, तो तू कहिए मैं काली हूँ काली चमरोली वाले मंदिर की मैया हूँ, जैसे ही इतनी शब्द सुने फिर क्या कहे बहना, जवाब दिया जब वो तेरे पास आए तो ये कहना, जी बता तो ये खाऊं कितने बाल बच्चों ने खाऊं कितनी कुठलिया में जो दान है बे खाए लू, तो बहना वो डर के मारे वैसे ही कह देखो कुठलिया में दान है बे खाए ले, तो त्यो फंदा कट जाए वो भैया, वैसा ही हुआ। आज बेचारी चली और चल के घर पे पहुंच गई, कुठलिया को आनो कतो बंद, अब बामे भूसी भूसी भरी है, अब करें तो करें का, कुछ माताएं इतनी चटोर होती हैं कि जे अपो घर भूरा कर देती हैं, हैं जैसे कुठलिया के दान भूसी करते उसी तरह से, चाहे कुछ करें लेकिन इन्हें, हाँ तो जब पहुंची तो उसी समय देवता घर पे नहीं है, अब इन्हें ढोंग रचाए वो शुरू करो परीक्षित महाराज, थाली लियो ही लोटा लियो ही सब सामग्री लाए के धर ले चुके, आवत आवत खेन देवता भूत उतारेंगे, बाई समय बैठ गई और जैसे ही किसान देवता आए तो हंकारे भरन लगी जो जोर से, जैसे ही देवता आए और जैसे ही हंकारे सुने, हाय राम पास में आए कि बोले क्या बात है, देवी कहने लगी है दूर रहना खा जाऊंगी तुझे, अरे भगवान देवता ने बेचारे पैसे ही रहे हल्के पोछ पाछ सो टरप गए, और बे देवी रहे ने ठीक ठाक सी जो एक ही थप्पड़ में भट्टा सो बैठा दे हैं, तो बेचारे वैसे ही डर पाते, अब कहने लगे अरे मैया देखिए धन्य है माताओं में शक्ति, अगर ये चाहे तो अपने देवता ते पैरों ही छुपा ले, है ना, ये बता कौन कौन देवता अपने अपने भगवान के पैर छुआता है, कौन कौन मैया अपने अपने देवतन से पैर छुलवाती है, कोई ना छुपाती, सब बढ़िया है लेकिन समय समय पर सब छुपा लेती हूँ, जैसे ही देवता आए अब कहने लगे अरे मैया ते पाए लागू दे तू कौन है, तो वे देवी वही पड़ोसिन की जो सिकाई वही भगत अति वो कहने लगी, मैं हूं देवी चंड का अरे मुड़ पे हंड का, मैं हूं देवी चंड का अरे मुड़ पे हंड का, कोई खाऊं तेरे बच्चन को तेरे कुठिये धान भूसी का जाऊं, ओए हाय कि मैं तो काली हूं, ओए हाय मैं तो काली हूं, Thank you.
हमारे घर में तू काले में आई गई, भाई समय हंकार और किचरी मानने लगी है। दूर रहना, मैं तेरे घर में इसलिए आई हूँ कि जे बता तो से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अब देवता बेचारे हाथ जोड़ के बैठे, देखो पत्नी से क्या कह रहे हो मैया। अरे मैया, अरे दुर्गा मैया, काली मैया, तू कैसे शांत हो जा, जो कुछ गलती हो गई हो वो क्षमा कर दे। अब देवी नाय दबरे कहने लगी, ये बता तुझे खा जाऊं कि तेरे बच्चों को खा जाऊं, तेरी कुटलिया में दाने में भूसी कर जाऊं। देवता कहने लगे, ओ मैया तू इतनी मेहर करते कि मैं बाल बच्चन तो छोड़ ही दे। और क्या कहा, तू है देवी सुने हैं भाई, समय जवाब दिया है कि मैया।